हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसकी इकाई 3 राजनीतिक विचारधाराएं का अध्याय पहला, जिसका नाम है उदारवाद। बच्चों, आपका जो अध्याय है उदारवाद, उसके कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और अब इसके जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट। बच्चों, उदारवाद की व्युत्पत्ति, उसका उदय, विकास, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ और उसके दोनों रूप, परंपरागत और आधुनिक रूप, हम ये सब पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो अब पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं नकारात्मक उदारवाद की विशेषताएँ। तो देखते हैं बच्चों की नकारात्मक उदारवाद की क्या क्या विशेषताएं है। व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल, यानी जो नकारात्मक उदारवाद होता है वो व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल देता है। मानव की मध्य युग की धार्मिक तथा सांस्कृतिक जंजीरों से मुक्ति पर बल। और जो नकारात्मक उदारवाद होता है वो मानव की मध्य युग यानी कि मध्यकाल की जो धार्मिक तथा सांस्कृतिक जंजीरें हैं उनसे मुक्ति पर यह बल देता है। मानव व्यक्तित्व के असीम मूल्यों तथा व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास। और जो नकारात्मक उदारवाद है वो क्या करता है, मानव के व्यक्तित्व के असीम मूल्य हैं, यानी इसकी मानव व्यक्तित्व के असीम मूल्य हैं, यानी कोई सीमा नहीं है, असीमित मूल्य हैं, तथा व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में इसका विश्वास है। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास, मानव की विवेकशीलता और अच्छाई, मानव की मानवता के लिए कुछ प्राकृतिक अधेय, अधेय क्या होते हैं जो दिए हुए ना हो, अधेय अधिकारों, जिसमें अधेय अधिकार होते हैं ना, जो दिए हुए अधिकार नहीं हो, तो कुछ प्राकृतिक जो दिए हुए अधिकार नहीं है वो, और जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति पर विश्वास पर बल देता है। तो हमने देखा नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। अब हम आगे देखते हैं उदारवाद व लोक का दर्शन। राजनीतिक आधार पर समझौता सिद्धांत और उदारवाद दोनों जॉन लॉक के दर्शन हैं, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। तो हम देखते हैं कि जॉन लॉक के दर्शन की मुख्य बातें क्या क्या है। राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। तो जो जॉन लॉक है वो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, यानी कि उस राज्य में जो नागरिक निवास कर रहा है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या हुआ है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। किसके द्वारा, सामाजिक समझौते के द्वारा यह राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य एवं व्यक्ति दोनों के संबंध आपसी समझौते पर आधारित हैं। राज्य एवं व्यक्ति यानी राज्य और व्यक्ति दोनों के संबंध आपसी समझौते पर आधारित होते हैं। वो कौन सा समझौता होता है, सामाजिक समझौते पर यह आधारित होते हैं। जब कभी भी राज्य समझौते की आवश्यकता शर्तों का उल्लंघन करेगा तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। और जब जब भी राज्य क्या होगा, अपने समझौते की शर्तों का उल्लंघन करेगा या फिर राज्य व्यक्ति के या उस राज्य में निवास करे नागरिक के खिलाफ कोई गलत गलत तरीके से उसके उसके लिए पेश आएगा या उसके साथ कुछ गलत करेगा, तो राज्य के उसको व्यक्ति को क्या है, राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का यानी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का या विद्रोह करने का अधिकार है। कानूनों का आधार विवेक है न कि आदेश। और कानूनों का आधार क्या है, विवेक है, यानी कि उसको अच्छे प्रकार से प्रयोग किया जाए, उसको अच्छी तरीके से व्यवस्था के अनुसार उसे लागू किया जाए, न कि आदेश है। तो कानूनों का आधार विवेक है न कि आदेश, ऑर्डर नहीं है। वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। और वही सरकार, वही गवर्नमेंट सबसे अच्छी मानी जाती है जो क्या होती है, कम से कम शासन करे, यानी कि वो गवर्नमेंट जो बार बार बदली जा सके या एक समय सीमा के बाद जिसे बदला जा सके, वही एक अच्छी सरकार होती है, वही एक अच्छा शासन माना जाता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। और राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है। मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त हो। और मानव को क्या होना चाहिए, राजनीतिक यानी कि मत देने में, चुनाव में, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता में से ही अपने नेता को चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आर्थिक रूप से उसके पास अवसर होने चाहिए। सामाजिक रूप से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। या धर्म या जाति के आधार पर या बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता उसे प्राप्त
होनी चाहिए। स्वतंत्रता से तात्पर्य सभी सत्ता से मुक्ति या नकारात्मक स्वतंत्रता माना गया है जो बंधनों का अभाव है। यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पे है कि सत्ताओं से मुक्ति या नकारात्मक स्वतंत्रता माना गया है जो बंधनों का अभाव है, यानी कि जो बंधन है, जो रुकावटें हैं वो कम हो, यानी कि उनका अभाव हो। अब हम देखेंगे नकारात्मक उदारवाद की आलोचनाएं किस प्रकार की गई है। तो देखते हैं नकारात्मक उदारवाद की आलोचना। सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद का अत्यधिक खुलापन नैतिकता के विरुद्ध है। यानी सामाजिक क्षेत्र में क्या होगा, अत्यधिक उदारवाद क्या होगा, मतलब अत्यधिक बंधनों में या रोकों में रोक है वो हट जाएंगी, अत्यधिक वह खुलापन हो जाएगा, तो यह नैतिकता के विरुद्ध है। सीमित राज्य जन कल्याण विरोधी अवधारणा है। उदारवाद का आर्थिक समाज बाजारू समाज है जो केवल बुजुर्गवा वर्ग के हितों का ध्यान रखता है, सामान्य व्यक्ति के हितों की अनदेखी करता है। बच्चों, बुजुर्गवा वर्ग क्या होता है, बुजुर्गवा वर्ग होता है यानी कि शक्तिशाली और जो धनवान वर्ग होता है उसके लिए बुजुर्गवा वर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी शक्तिशाली वर्ग या धनवान जो लोग होते हैं वो बुजुर्गवा वर्ग कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य व्यक्ति के हितों की अनदेखी करते हैं और बुजुर्गवा वर्ग के हितों को ध्यान में रखा जाता है, यानी धनवान व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखा जाता है, शक्तिशाली वर्ग के हितों के लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाता है, जो गरीब और जो गरीब लोग होते हैं उनको उनका हनन किया जाता है या उनके अधिकारों की अनदेखी की जाती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को उच्छृंखल बनाती है जो समाज के हितों के विपरीत है। यानी क्या होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को क्या बनाता है, बुरा बनाता है, यानी कि उसे वह मजबूर हो जाता है कि वह किस प्रकार रहे या अपनी संस्कृति में क्या होता है, उसकी जो श्रद्धा है वो कम होने लगती है, तो क्या है, समाज के हितों के विपरीत है। वह उसे क्या करता है, व्यक्ति को क्या बनाता है, उच्छृंखल बनाती है। आधुनिक व सामयिक उदारवाद क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तित आर्थिक सामाजिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में उदारवाद में भी व्यापक बदलाव आया। मार्क्सवाद व समाजवाद के डर से उदारवाद में सुधार कर सकारात्मक धारणा का जन्म हुआ है और यह उदारवाद निम्नलिखित बातों पर बल देता है। यानी कि जो समसामयिक उदारवाद है वो निम्नलिखित बातों पर बल देता है। अब हम देखेंगे कि किन किन बातों पर बल देता है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है, यानी कि एक ऐसा राज्य हो जो कि वहाँ पर निवास कर रहे नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। दूसरा है, व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता देकर सर्वांगीण विकास पर बल देता है, यानी उसे संपूर्ण स्वतंत्रता देकर जैसे सामाजिक आर्थिक धार्मिक उसे सभी प्रकार की स्वतंत्रता हो, मतलब उस पर उससे सामाजिक आर्थिक या धार्मिक किसी भी क्षेत्र में उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने पर बल, यानी सभी व्यक्तियों को चाहे वह शक्तिहीन हो या शक्तिशाली हो, सबके पास समान अवसर एवं समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली वर्ग के हितों को ही ध्यान में रखा जाए और शक्तिहीन वर्गों के हितों को अनदेखी कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने पर बल दिया जाता है। इसमें व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया जाता है। जनता के विकास तथा उसकी वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा में विश्वास, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव व व्यापक राजनीतिक सहभागिता पर बल। राज्य सामाजिक हित की पूर्ति का सकारात्मक साधन, समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता व वर्गगत असंतोष कम करने पर बल। तो हमने देखा कि समसामयिक उदारवाद किन किन बातों पर बल देता है और अब हम देखेंगे किसके आगे किन किन चीज़ों पर बल देता है। तो लोकतांत्रिक समाज की राजनीतिक संस्कृति पर भी बल देता है समसामयिक उदारवाद। उदारवाद का यह स्वरूप क्रांतिकारी तरीकों के विपरीत सुधारवादी शांतिपूर्ण और क्रमिक सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखता है। यह स्वरूप अल्पसंख्यकों वृद्धों एवं दलितों के विशेष हितों के संवर्धन करने पर बल
देता है। आधुनिक उदारवाद बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित व नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल, सामूहिक हित पर बल। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने व नियंत्रित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों पर बल। लोकतंत्र की समस्याओं पर नए ढंग से विचार करने पर बल देता है। तो ये हमने देखा समसामयिक उदारवाद की विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि समसामयिक उदारवाद की आलोचनाएं कई लोगों ने या कई विचारकों ने किस प्रकार की है। उदारवाद का यह स्वरूप भी बुजुर्गवा वर्ग का ही दर्शन है, यानी इस उदारवाद में, समसामयिक उदारवाद में भी क्या होता है, बुजुर्गवा वर्ग यानी कि जो शक्तिशाली वर्ग होता है उसी के ही हितों को ध्यान में रखा जाता है, शक्तिहीन या गरीब लोगों के हितों की अनदेखी की जाती है। यह मूलतः पूंजीवादी और यथास्थितिवादिता पर बल देता है। यह स्वरूप गरीबों की क्रांतिकारी आवाज़ को दबाने का प्रपंच है। यह राज्य को शक्तिशाली बनाने पर बल देता है ताकि गरीबों को राजनीतिक वैधता के नाम पर दबा सके। और यह क्या करता है, समसामयिक उदारवाद क्या करता है, राज्य को शक्तिशाली बनाने पर बल देता है, यानी राज्य को पावरफुल बनाने पर बल देता है ताकि गरीबों को कानून के नाम पर, राजनीतिक वैधता के नाम पर यह दबा सके या फिर उन पर अपना हक जमा सके, उनके अधिकारों का राजनीतिक वैधता के नाम पर हनन कर सके। यह पूंजीवादी वर्ग से संबंधित धारणा है। इसका सामाजिक न्याय मात्र ढकोसला है। यह स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों का बनाया जाना राज्य पर छोड़ता है, वह पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त नहीं करता। तो बच्चों हमने देखा पाठ, हमने हमारा पाठ पढ़ा कौन सा, उदारवाद। तो बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।